First of all, I would like to thank Dr. Arma ma'am for providing me an opportunity to present the paper. Honorable attendees, faculty and dear students, myself Dr. Pramod Mishra from IIM College, and I will be presenting a paper on life-changing lessons from the Bhagavad Gita. Slides I will show you later because of time constraint. I will speak verbally. Bhagavad Gita सबने पढ़ी हुई है. इसमें आप जानते होंगे अर्जुन अपने समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे. He was one of the greatest warrior of his times. पर उनके पास भी क्या है कि लड़ने का विल खत्म हो गया था. तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने उनको सेल्फ मोटिवेशनल लीडर बनाया और गीता का उपदेश दिया. इसमें चार कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र. गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं और 48 मिनट की यह चर्चा है. इसमें खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास स्किल नहीं है, खतरनाक व्यक्ति वह है जिसके पास विल नहीं है. अर्जुन के पास स्किल तो था, वे जानते थे कि किससे लड़ना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, पर करना नहीं है. सिमिलरली इन आवर लाइफ्स देयर आर टाइम्स वी नो व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, बट वी लॉस्ट द विल. ऐसे में उनको मोटिवेट करने के लिए, सेल्फ मोटिवेशनल लीडर बनाने के लिए भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन आर सर्कमस्टेंशियल एंड वन आर सब्सटेंशियल. भगवान ने उनको सब्सटेंशियल लीडर बनाया. सर्कमस्टेंशियल पर्सन क्या कहता है कि साफ सर्कमस्टेंसेस अच्छे होंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन जो सब्सटेंशियल पर्सन है उसके लिए कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, ही विल कंटिन्यू, ही विल गोइंग टू परफॉर्म. हम अगर हम वही करते रहे जो हम करते आ रहे थे तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था. अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें कुछ नया करना होगा. यू सी वी कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी वर डूइंग, we will get what we were getting, and if we want to get something new, we have to do something new. अगर हम हमारे संस्कार से बनता है विचार, विचार से होता है व्यवहार, व्यवहार से होता है आचार, आचार से होता है प्रचार, और अगर आपका प्रचार अच्छा होगा तो आपका आपका व्यापार अच्छा होगा. You see, if your roots are good, your fruits will be good. If your intent is good, your content will be good. If your mentality is good, अगर आपकी मानसिकता अच्छी होगी तो वास्तविकता अच्छी होगी, और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी. इन चैप्टर 6 ऑफ भगवद गीता देयर इज टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, कि मन को नियंत्रण में कैसे किया जाए. भगवान कहते हैं असंचयम महाभाव मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च जायते. हे अर्जुन, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मन अति चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है. इट इज ट्रू दैट इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, बट इट कैन बी कंट्रोल थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. एंड देयर इज अ वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. डैनियल गोलमैन, वी नो ही इज द फादर ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस. वन माइंड बॉगलिंग फिगर आई विल टेल यू. In America, there are 55% of divorces are taking place before completing 1 year of their marriage. But in India, Hindu dictionary में आप हिंदी का कोई शब्द बता दीजिए, हिंदी में divorce के लिए कोई शब्द ही नहीं है. So you can see, the thing is, अगर हमें अपना संस्कार और विचार अच्छे करने होंगे, we have to make our roots strong if we want to get good fruits. और इसमें और सी काफी talks हुई हैं. There are many things which we have learned from the beginning. जैसे कर्मण्य वाधिकारस्ते, without bothering about the results of our action, we should perform our duties. So the principles of Gita, they are beyond our time, place and circumstances. जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, हमें साइंस स्टूडेंट, जैसे ग्रेविटी की बात होती है, गुरुत्वाकर्षण की, अगर आप किसी भी बच्चे को ऊपर से नीचे फेंकोगे, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में, ग्रेविटी उसे माफ नहीं करेगी. ऐसे गीता के प्रिंसिपल्स अगर आप लाइफ में अप्लाई करोगे तो यू कैन ओवरकम एनी ऑफ द चैलेंजेस इन अवर लाइफ. वी ऑल आर फेसिंग सम काइंड ऑफ अवर चैलेंजेस. इट इज अप टू अस टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू बिकम ए वॉरियर और डूरियर. मतलब आपको चिंता करनी या चिंतन करना. जैसा कि हम कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट का ले रखा है, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा खिलाए. सो ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, दे हैव वन थिंग इन कॉमन. जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए, उन्होंने केवल उन्हें एक बात कॉमन थी, देयर एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस. उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की. तो इसमें कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, देयर आर अल्बर्ट आइंस्टाइन, माध्वाचार्य, गोविंदाचार्य, सो मेनी पीपल आर देयर. They used to read Bhagavad Gita. And the main thing is, हमने गीता के बारे में सुना है, हम इसको एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर में रख देते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, but the main thing is we don't apply it in our lives practically. That's why we are facing the lot of problems. कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउस वाइफ हो, एनी एम्प्लॉय who's fighting corporate battles, any school or college student, anyone can apply, and any patient who's just been diagnosed with cancer and life-threatening disease,
they can apply the principle of Gita in their lives and they can overcome any of the challenges. There is the last slok which I would like to say. Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Dhanurdhara Tatra Srinivasa Bhutadrua Nitin Matimam. Isme Sanjay kehte hain jahan Krishna hai jahan Arjun hai wahi victory hai. Thank you so much. Thank you, Dr. Pramod Mishra ji. Because I have prepared a lot of hard work, so you can just